बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया। देखते हैं पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया में क्या है। स्विट्ज़रलैंड के एक हयाताती और नफ्सियाती माहिर जीन पियाजे ने वकूफ़ी नशोनुमा या हसूल इल्म के मुख्तलिफ़ मदारिज की वजाहत के लिए एक नज़रिया पेश किया। यानी कि जीन पियाजे एक नफ्सियाती माहरीन थे। उन्होंने वो स्विट्ज़रलैंड में रहते थे और उन्होंने हसूल इल्म यानी कि इल्म हासिल करने का जो इल्म हासिल करने के तरीके को बयान करने के लिए उन्होंने उसके मदारिज पेश किए, यानी कि स्टेजेस बताएं कि किस किस तरह के दौर आते हैं जब हम किस तरह का इल्म हासिल करते हैं। इसका नज़रिया जदीद दौर के नज़रियात में ज़हनी नशोनुमा की बेहतरीन वजाहत दौर के नज़रियात में ज़हनी नशोनुमा की बेहतरीन वजाहत करता है। पियाजे के ये जो नज़रिया है, पियाजे के नज़दीक इल्म हासिल करने की काबिलियत उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब उसके बाद उनका पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो इल्म हासिल करने का जो अमल होता है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। यानी कि इंसान जिस तरह बड़ा होता रहता है, उसकी नशोनुमा होती है उसी तरह अलग अलग तरीके से उनका इल्म हासिल करने का अमल होता रहता है। यानी कि वो पूरी ज़िंदगी एक इंसान पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल करता रहता है। इसके याद में बच्चा माहौली मुहिजात के लिए महज एक मुनफिल पैसिव रद्द अमल नहीं बल्कि रद्द अमली नहीं बल्कि वो अपनी वकूफ़ी नशोनुमा का एक फ़ाल ममार है। यानी कि वो अपनी वकूफ़ी नशोनुमा को खुद भी बनाता है। वो पुख्तगी आमोजिश, पुख्तगी यानी कि मच्योर होता है, आमोजिश करता है, यानी कि आमोजिश करना सीखना और तजुर्बात के माबेन तामुल पर जोर देता है। यानी कि वो नए नए इल्म हासिल जब उसको नए नए इल्म हासिल होते हैं तो वो इस तरह मच्योर होता जाता है और उनको सीखता है और तजुर्बात के जरिए काफ़ी ज़्यादा वो सीख जाता है और अपनी स्कीम में पुख्तगी को एक अहम मुकाम पर रखता है। दूसरे लफ्ज़ों में बच्चे को नई नशोनुमा के लिए खुद को तैयार करना होता है, लेकिन वो फैसला कुन वक्तों में बास किस्म के तजुर्बात हासिल नहीं कर सकेगा। ये तजुर्बात तिब्बी अशिया के साथ तालीम के बराह रास्त ताल्लुक़ पर मुश्तमिल है। पियाजे की वकूफ़ी नशोनुमा के चार मनाजिल या मदारिज मंदरजा झाल है। इन सबको बयान करने के लिए, इन सबको समझाने के लिए जीन पियाजे ने चार दर्जों पर मुश्तमिल स्केल बनाया। उसने उसको बताया, उस तरीके से बताया कि इंसान किस तरह इन दर्जों में जब वो पहुंचता है, इंसान के बड़े होने की नशोनुमा के चार दर्जे होते हैं। इन दर्जों में वो क्या किन किन उम्र में होते हैं और वो क्या क्या इल्म हासिल करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट मैंने एक स्केल बनाया है, टेबल बनाया है, जिसके ज़रिए आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये है पियाजे कॉग्निटिव स्टेज यानी कि जीन पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा का स्केल बनाया स्केल है। इसमें स्टेजेस वही दी गई हैं जिसे कहा गया है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स यानी कि पैदाइश से 2 साल तक रहता है, और इसमें इंसान की जो एबिलिटी होती है वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 साल से 7 साल तक होती है, जिसका दौरानिया और इसमें जो एबिलिटी होती है यानी कि इसमें इतने उम्र के बच्चों की खासियत क्या होती है, सिंबॉलिक थिंकिंग, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, यानी कि वो एक एक, एक चीज़ के बारे में सोचते हैं और अपनी अना के बारे में सोचते हैं। उसके बाद है तीसरी स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 साल से 11 साल तक के बच्चों में होती है, और ये लॉजिक अप्लाइड और कंजर्वेशन यानी कि इसमें बातचीत करना सीखा जाता है और लॉजिक अप्लाइड अपने दिमाग के बारे में वो दिमाग से काम लेते हैं। फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज जो है 12 ईयर्स टू अबव यानी कि 12 साल से बड़ी उम्र तक का दौरानिया है, और जिसमें वो थिंक्स एब्स्ट्रैक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हाइपोथेटिकल आइडियाज़ और नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं, यानी कि फिर उनके दिमाग में नई नई सोचें आने लग जाती हैं। ये था स्केल जिससे हम ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं कि हमारे इस पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए का मकसद क्या है। पहले आप इसको याद कर लें यानी कि इसको समझ लें अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आप तफसीली जो पॉइंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं फिर आप उसको पढ़ें, आपको बहुत इजीली याद करने में आसानी होगी।
अब देखिए, हमारे पास पहला दर्जा है जो कि जिसको हम तफसील से पढ़ेंगे, हिस्सी हरकी दर्जा सेंसरी मोटर स्टेज, जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था। ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा है पैदाइश से 2 साल तक की उम्र के इस दौर में बच्चे तफक्कुर की निस्बत अपने हर के किरदार के जरिए दुनिया के बारे में इल्म हासिल करते हैं, यानी कि वो तफक्कुर यानी कि अपने सोच विचार के जरिए हर के किरदार के जरिए दुनिया के बारे में इल्म हासिल करते हैं कि ये कौन है, ये क्या है। बच्चे माहौल के ताल्लुक से अपने जवाबी अमाल और अफाल के लिए इनकासी हरकत यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन से लेकर मुनज़्ज़म हरकत तक की आमोजिश हासिल कर लेते हैं। इस अरसे में वो मुख्तलिफ हवास के जरिए हासिल करदा मालूमात को मरबूत करना सीखते हैं और मकसूद मर्जी करते अमल करते हैं। बच्चे हिसी हर की दौर की सबसे अहम तहसील इस्तकरार अशिया का तसव्वुर हासिल करते हैं। इस्तकरार अशिया से मुराद किसी शय या शख्स की मौजूदगी का वो एहसास है जो नज़रों से हट जाने के बाद भी जहन में बाकी रहता है। इसी बिना पर वो लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं और अपनी गुमशुदा अशिया को जहाँ जहाँ कहीं हो ढूंढ लेते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, ये वही दौर है। एक मिसाल लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो जाहिर सी बात है उनकी नज़रों में उनकी मदर का कॉन्सेप्ट होता है कि उनकी मदर है, उनका ख्याल रखती है। वो जब उनके पास नहीं होती तो वो उनको बुलाते हैं, रोने लग जाते हैं। उनके बुलाने का तरीका रोना होता है, वो रोने लग जाते हैं। ये वही दर्जा है कि जब छोटे बच्चों को उनकी मदर नज़र नहीं आती तो वो रोते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। और यही हिस्सी हर की दर्जा है क्योंकि वो अपनी माँ को याद कर लेते हैं, उनके दिमाग में यही बैठ जाता है कि इनका ख्याल रखती है। इसी तरह अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब है दूसरा दर्जा, कबल अमली दर्जा यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका मतलब है कि काम करने से पहले का दर्जा। 2 से 7 साल तक की उम्र के इस दर्जे में बच्चे लोगों, जगहों और अशिया का अलामती अल्फाज के जरिए इजहार करना शुरू कर देते हैं। इस दर्जे में बच्चों की कैफियत ही नशोनुमा आगे की तरफ बढ़ती है। अब वो अशिया के अदम मौजूदगी में इनके बारे में सोचने के काबिल हो जाते हैं। वो गैर मौजूदा अफाल की नकल कर सकते हैं, वो हिंसों और लफ्ज़ों की ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलामती निज़ाम में अहम तरीन निज़ाम ज़बान का लतीफ़ इस्तेमाल है। इन्हें इस बात की समझ आने लगती है कि अशिया अपनी शक्ल बदलने के बावजूद अपनी हस्ती बरकरार रखती है। वो अपने ट्यूबलाइट को ऑन और ऑफ करने के दरमियान ताल्लुक़ को समझने लगते हैं। ताहम अभी ख्यालात में बहुत सी खामियां बाकी होती हैं। यानी कि स्टूडेंट, ये वो स्टेज है कि जब स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं छोटे वाले, यानी कि उनका उम्र का दर्जा 2 से 7 साल तक होता है, उनकी सोच ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, लेकिन वो कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो अल्फाज छोटे होते हैं, जैसे कि आओ, खाओ, पकड़ो, यानी कि इस तरह के अल्फाज से वो बात करना सीख जाते हैं और किसी की मौजूदगी का इजहार समझ जाते हैं। ये यानी कि इसके इस तरह के ख्यालात में उनकी कुछ खामियां होती हैं, यानी कि वो बिल्कुल कम्प्लीटली बात करना नहीं सीखते और उनके दिमाग में कुछ खामियां होती हैं। वो कुछ सवालात का जवाब बिल्कुल जानना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती बातें, लेकिन वो फिर भी कुछ बातें इस तरह करते हैं। अब यहाँ पर है तीसरा पॉइंट, ठोस अमली दर्जा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल तक की उम्र के इस दौर में बच्चे खुद मरकजियत से निकलकर नए नए तसव्वुरात को समझना और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वकूफ़ में इस कैफियती तरीके से वो तरक्की से वो अशिया के दर्जा बंदी, हिंसों का इस्तेमाल और सूरत हाल के तमाम पहलुओं को मद्दनज़र रखना और मुतजाद हालात को समझना सीख जाते हैं। वो अपने आप को दूसरों की जगह रख कर बेहतर अंदाज में सोचने लगते हैं, जो दूसरे लोगों को समझने के लिए ज़रूरी होता है, और वो इस तरह इखलाकी फैसले करने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि इस दर्जे में बच्चों की जो सोच होती है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती है और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं और वो अपने ख्यालात में बेहतरी लाते हैं। ख्वा मादे को दोबारा तरतीब दिया जाता है जाए, लेकिन अगर इसमें से कुछ निकाला ना गया हो या कुछ और डाला गया हो तो मादे की दो बराबर की कैफियतें सफाती जौहर वजन लंबाई तादाद हजम और वसीयत में
वसअत में बराबरी रहती है। मादे की शनाख्ती या काबिलियत तहफ़ या बका यानी कि कंजर्वेशन कहलाती है। बच्चों में तहफ़ की यह काबिलियत मुख्तलिफ वक्तों में तश्कील पा जाती है। 6 या 7 साल की उम्र में वो मादे की इस ढेर या असल की पहचान कर सकते हैं। 9 या 10 साल की उम्र 10 साल की उम्र में वो वजन की हकीकी पहचान कर सकते हैं और 11-12 साल की उम्र में हुजम और जिसामत के तहफ़ कंजर्वेशन का तस्वुर कर सकते हैं। अब हमारे पास है रस्मी अमली दर्जा यानी कि ये चौथा दर्जा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 साल और इससे ऊपर उम्र में रस्मी अमल का दौर शुरू हो जाता है। इस दौर में बच्चे तजरीदी में सोचने के काबिलियत हासिल कर लेते हैं। इस उम्र में लोग तिब्बी लिहाज से गैर मौजूद मसाइल को समझ लेते हैं। मफरूजों पर काम करके मुंजमित तरीके से इन मफरूजों की जांच कर लेते हैं। शुरू में पियाजे का ख्याल था कि ना तमाम नॉर्मल बच्चे 12 साल की उम्र में वकूफ़ी नशोनुमा में कैफियती तरक्की हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाद में इसने ये ख्याल बदल दिया और कहा कि मुख्तलिफ तजुर्बात के बाइस ताखिर से इस दर्जे का हसूल 19 बरस तक लेट टीन्स की उम्र में हो सकता है। कुछ दूसरे तहकीकीन ने दरियाफ्त किया कि बाज़ लोग रस्मी अमल का ये दर्जा कभी भी हासिल नहीं कर पाते। यानी कि रस्मी अमल का अमली दर्जा यानी कि जो दुनिया में कुछ बातें होती हैं जो कि रस्मी तौर पर यानी कि अपनाई जाती हैं और कुछ लोग उनको समझ आते हैं और इसी तरह जीना शुरू कर देते हैं। पहले वो पियाजे क्या ख्याल था कि ये 12 साल से ये दर्जा स्टार्ट होता है कि लोग 12 साल की उम्र से सीख जाते हैं कि कब किस तरह बात करनी है और क्या किस काम पर क्या करना है, लेकिन उसके बाद में उसने तजुर्बात के तहत उसको पता लगा कि 19 साल की उम्र में ये दर्जा आता है। लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में ये दर्जा हर किसी के पास नहीं होता और वो समझ नहीं पाते और वो कभी ये बात समझ नहीं पाते कि हम किस मौके पर किस तरह का अखलाक इख्तियार करना है।